ये RPS मोड़ है, मुख्य मार्ग है दिल्ली रोड का। इस मुख्य मार्ग से एक सहायक मार्ग निकल रही है और इसी सहायक मार्ग पे हमारा विद्यालय अवस्थित है। और विद्यालय का जो फ्रंट गेट है, मतलब मेन गेट, गेट नंबर वन, वो ये है। ये विद्यालय का फ्रंट गेट है। और ये हमारे सिक्योरिटी, विद्यालय के सिक्योरिटी। इसके बाद हम आपको लिए चलते हैं विद्यालय के दूसरे गेट की तरफ। ये हमारे विद्यालय का दूसरा गेट। ये हमारे विद्यालय का दूसरा गेट और फर्स्ट गेट से ही हम एंट्री करेंगे अपने विद्यालय कैंपस में। ये विद्यालय के सिक्योरिटी प्रभारी, जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, वो यहाँ पे पुट किए गए हैं। एक थर्मल गन, एक सैनिटाइजर। ये लंबा बाउंड्री है और यही एक रास्ता है, मुख्य मार्ग है, जिससे हम मुख्य बिल्डिंग। ये हमारा सिक्योरिटी गार्ड जहाँ रहते हैं, वो सिक्योरिटी गार्ड रूम है ये हमारा। इसके दूसरे हिस्से पे हम जाते हैं तो हमारा ये कैंटीन, जो फ़िलहाल कोविड के कारण बंद है। ये हमारा दूसरा जो गेट बताया था, वो दूसरा गेट है। और इस गेट के समीप एक बॉन्ड, इस बाइक स्टैंड वाले एरियाज हैं। रिसेप्शन एरिया के बाद हम अपने एचआर महोदय के ऑफिस की तरफ। Thank you.
जो पासिंग वाले एक इंडियन था 10 वाले Thank you.
सा क्लास है आप लोग? क्लास सेवन। क्लास सेवन। कंप्यूटर पढ़ना पसंद है? थोड़ा ही ज़्यादा। थोड़ा कंप्यूटर लगा के आपसे क्या? आप पहले किसे? सर आवाज़ क्यों नहीं आ रही है? बीच से जी मैं सर नागेश्वर तिवारी एम एस सी बी एड एंड वर्किंग एज ए पी जी टी बायोलॉजी टीचर। And what will be the resistance of S? 100 minus 41. 100 minus 41, that is what? 59. So what is the formula? P by Q equal to R by S. And that only we will get the unknown resistance. Thank you.
ठीक है सर, काउंसलर और सर, सर ये 60 है सर, 60 कॉन्फिडेंस रूम है सर। एक्चुअली हमारी एक प्रोविजन है कि मोबाइल हम लोग सबमिट करवा लेते हैं, तो अभी टीचर
मुझे वर्क दी टीचिंग पार्ट इन द ईयर 2006 एंड आई हैड जॉइंड दिस स्कूल इन द ईयर 2010 सर. सो दैट टाइम आई वाज टीचर ऑफ मैथमेटिक्स. राइट नाउ आई एम वाइस प्रिंसिपल. सो आई एम हैंडिंग ओवर द कैमरा टू अनदर टीचर. सर मेरे बारे में आप पूछ रहे हैं या 10th 12th के टीचर से मिलना चाह रहे हैं? सर मैं 10th ये सर मैं 10th और 11th में क्लासेस लेती हूँ सर. क्लासेस बहुत जी सर मैं लेती हूँ सर 10th क्लासेस और 9th क्लासेस में भी मैं कभी कभी जाती हूँ सर. जब हमारे टीचर्स को छुट्टी पे होते हैं तो मैं छोड़ी जाती हूँ. मुझे टीचिंग अच्छा लगता है सर मैं जाती हूँ. ओके सर मैं अभी दूसरे टीचर को अपना दे रही हूँ सर. संस्कृत विषय पढ़ाती हूँ और मुझे यहाँ पढ़ाते हुए लगभग 12-13 साल हो गए. मैं 6th to 10th तक संस्कृत विषय पढ़ाती हूँ. मैंने एमए किया है संस्कृत में. थैंक यू सर. जी मालूम है जी मैंने संस्कृत से ही एमए आचार्य का पद किया है. Thank you.